दोस्तों नमस्कार, शीला खाना खजाना पर आप लोग का स्वागत है। चलिए मैं चने दाल के बड़े बनाने जा रहा हूँ, किस तरीके से बनते हैं आज मैं बताती हूँ। चने दाल के बड़े भिगो के कैसे बनाएं। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं आधी पाव एक पाव कम से कम ये चना दाल लिया हूँ, दो कटोरी छोटी कटोरी से। देखिए ये चने दाल मैं इसको पानी में भिगोऊँगा, दो तीन घंटे, कम से कम दो घंटे भिगना चाहिए। उसके बाद हम इसको पकोड़े के लिए तैयार करूँगा। जो ये चने दाल है प्योर चने दाल, तो ये बहुत अच्छा बनता है। वैसे मैं तो ले रही थी बहुत सारे, इतना सारा बनाना नहीं है, इतनी सी बनाएंगे। देखिए आइए अच्छी तरह से हमको भिंगो के दो घंटा कम से कम रखना पड़ेगा इसको, तब भिंगो के सिलबट्टे से पीसेंगे। इसके बाद पकौड़े बनाएंगे, पकौड़े बनाएंगे, वो पकौड़े आप चाहे सब्जी बना सकते या उसे खा सकते, बहुत मज़ेदार बनेगा। चलिए मैं बताती हूँ आप लोग का किस तरीके से बनेगा। क्या सारे छोटे मीठे ठीक है ना। वो तो खुद है ना बोलने देखो कितना अच्छा बेसन तैयार हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको पीसना चाहिए। आप देख उठा लो, उठा ले छोटो फोटो खींच। देखिए मैं थोड़ा ये लाल मिर्ची पिसा था इसमें दो चार, अब हम इसमें थोड़ा मिक्स करेंगे। देखिए सबसे पहले थोड़ी मैं नमक डालूँगा, ये हल्दी डालूँगा छोटी चम्मच, ये धनिया पाउडर डालूँगा, ये जीरा पाउडर डालूँगा, ये मसाला डालूँगा, ये थोड़ा हल्दी डालूँगा मिर्ची डालूँगा, ये बड़ी नमक थोड़ी और डालूँगा। अब देखिए ये थोड़ा धनिया पत्ता ये मैं अच्छी तरह से धो के ये डालूँगा थोड़ा। ये कड़ी पत्ता है थोड़ा सा भिगो रखें, ये हम थोड़ा डालेंगे इसको अच्छी तरह से। देखिए मैं पूरी तरीके से मिलाऊंगा, ये अच्छे से मिल गया है। अब इसको हम आराम से तेल में बना सकते हैं। देखिए हो गया, ये तैयार हो गया है। तब तक हम तेल गरम करते 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए। तब तक मैं तेल गरम कर रहा हूँ इसको। एक केजी तेल डाला मैंने, एक कटोरा तेल नाप से खुलेंगे।
बनाना है। स्टैंड लेके तो आए, मैं स्टैंड क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ? अब स्टैंड से नहीं होगा, देखते हैं। ठीक है, उसको मैं पकड़ने वाला आदमी चाहिए, तेरी स्टैंड सब्जी में गिर जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, मैंने अब चने दाल के पकौड़े बनाए हूँ और साथ में मैं चटनी बनाए हूँ। चटनी के रेसिपी आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये पकौड़े मेरा बहुत मज़ेदार है, आप लोग भी खाइएगा तो बड़ी सुंदर लगेगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार। हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरे पकौड़े तैयार हो गए हैं।